गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी कर फंसे जेडीयू के नेता तेजस्वी यादव ने माफी मांग ली है। खबर है कि इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने मामले को गुजरात से बाहर नई दिल्ली भेजने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। बता दें, तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं। अब इसे लेकर वे आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं। इसी मामले को उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति ASO का और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने तेजस्वी यादव की ओर से दायर माफी के ताजा बयान को दर्ज कर लिया है। शीर्ष अदालत ने 29 जनवरी को यादव को अपनी कथित टिप्पणी केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं को वापस लेते हुए उचित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया था। यादव ने 19 जनवरी को शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर कर अपनी कथित टिप्पणी वापस ले ली थी। खबर है कि इससे पहले दायर हलफनामे पर शिकायतकर्ता ने आपत्ति उठाई थी। इसके बाद कोर्ट की तरफ से तेजस्वी यादव को एक सप्ताह के अंदर नया बयान दाखिल करने के आदेश जारी किए गए थे। शीर्ष अदालत ने राजद नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में आपराधिक मानहानि की शिकायत को लेकर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और इसे दायर करने वाले गुजरात के निवासी हरीश मेहता को नोटिस जारी किया था। मेहता एक स्थानीय कारोबारी और कार्यकर्ता है। बता दें, कथित आपराधिक मानहानि के मामले के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार तेजस्वी यादव ने मार्च 2023 में पटना की मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने कहा, वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी। बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर कहा था, अगर वे LIC या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो जिम्मेदार कौन होगा। मेहता ने यह दावा किया कि यादव की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों की मानहानि की।